है आपका अपना चैनल farmfrog.com। सो दोस्तों, आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आप लोगों का इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म था जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका है। कब से फॉर्म जब भरा जाना है इसके बारे में बता दें हम आपको। तो जो आपका फॉर्म भरा जाना है वो 6 तारीख से भरना स्टार्ट हो चुका है, 6 मार्च से। और आपका फॉर्म जो लास्ट डेट जिसकी है वो 1 मई रखी गई है, यानी कि 1/5/2023। काफी टाइम है आपके पास, आराम से फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फीस के बारे में बता दें तो फॉर्म फीस जो है आपका, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ₹300 आपका चालान पड़ेगा। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो ₹200 आपको चालान देना होगा। एग्जाम कब होगा इसका, एग्जाम के बारे में हम बता दें तो एग्जाम जो आपका है इसका 1 तारीख से लेकर 5 जून तक, 5 दिन आपका एग्जाम चलना है, और जून में आपको पेपर होगा। तो आपके लिए तैयारी करने का भी काफी अच्छा समय है। अगर आपको तैयारी कुछ भी नहीं है, अगर आप अभी जीरो से शुरू करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा टाइम है, आप आराम से तैयारी करिएगा। साथ ही बता दें कि अगर आप तैयारी करने के लिए अभी तक कोई भी बुक नहीं खरीदे हैं तो हम बता देते हैं आपको, अमेजोन की तरफ से काफी अच्छी बुक है जिसका हमने काफी अच्छा रिसर्च भी किया है, उस बुक के बारे में बता दे रहे हैं। तो बुक जो है हमने, ये बुक देख सकते हैं आप, जीका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2023, यही बुक है। ग्रुप ए का है, ग्रुप ए के लिए है, इंग्लिश एडिशन की बुक है। इसमें 8 मॉक टेस्ट, 9 सेक्शनल टेस्ट एंड 3 प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस 1400 सॉल्वेड क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने तैयारी का स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस बुक को मंगा लीजिए, और इसी बुक से आप लोग तैयारी करिए, काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। खुद हमने इसे पढ़ा है और हम खुद जानते हैं इसके बारे में, इसीलिए आपको बता रहे हैं इसी बुक को परचेस करने के लिए। तो इस बुक का लिंक जो है वो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहां से जाकर आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए, अभी आपके पास काफी टाइमिंग है। चलते हैं अपने साइट पे इसके बारे में, तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ चुकी है, और ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक शुल्क, इसमें कोर्स बता दे रहे हैं, कोर्स वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसके बारे में आपको बता दें। तो अगर आप ग्रुप ए में फॉर्म भरना चाहते हैं और आपने 10वीं पास कर लिया है न्यूनतम 35 वर्ष अंक के साथ में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम, यानी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए के अंतर्गत फॉर्म भरना होगा, और इसके लिए आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है 35% अंक के साथ में। साथ में ही बता दें, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल पास होना चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ में, और अगर आप एग्रीकल्चर के साथ में नहीं पास हैं तो आप इंटर पास होना चाहिए एग्रीकल्चर के साथ में, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। ग्रुप सी में जो आपका आ रहा है वो फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें भी न्यूनतम 10वीं पास मांग रखा होता है। होम साइंस होता है, ये 2 साल का ही कोर्स होता है, इसमें भी 10वीं पास मांग रखा होता है। टेक्सटाइल डिजाइन होता है, 3 वर्ष का होता है, इसमें भी 10वीं पास मांग रखा होता है। तो इस सबसे ये तो हो गए कुछ कोर्स के डिटेल्स, साथ ही हम आपको फीस के बारे में बता दें। जो आपका कोर्स, यानी कि जब आप क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम को, उसके बाद में आपका एडमिशन होगा तो कितना फीस लगने वाला है टोटल, तो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं राजकीय संस्थान है, तो राजकीय संस्थान है, तो जो टोटल यहाँ पे कोर्स फीस रखा गया है, शिक्षण शुल्क जो है आपका ₹8,000, तो बेसिक शिक्षण शुल्क होगा इसमें। साथ में छात्र निधि शुल्क जो है ₹3,870, और छात्रावास शुल्क ₹800 करके टोटल ₹12,670 आपसे लिया जाएगा 1 साल का। और जिस संस्थान में मान लो छात्रावास नहीं है तो वहां आपसे छात्रावास का शुल्क नहीं लिया जाएगा, वहां आपसे सिर्फ ₹10,370 ही लिए जाएंगे। और अगर मान लो आपका एडमिशन जो है सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता है, प्राइवेट कॉलेज में होता है, तो वहां कितनी फीस ली जाएगी उसके बारे में भी बता देते हैं। तो वहां जो है आपका, अगर 2 3 वर्षीय डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम है तो ₹30,150 आपका जो है 1 साल का फीस होगा, और अगर आप फार्मेसी पाठ्यक्रम है तो एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको ₹45,000 1 साल का देना होगा।
डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट के पाठ्यक्रम है तो आपको 30,250 रुपये तथा होटल मैनेजमेंट है तो 31,300 रुपये आपका जो है शुल्क देना होगा। तो ये तो हो गया आपके कोर्स का शुल्क। बता देते हैं कि आप लोग फॉर्म कैसे भराएंगे। तो अगर आप हम लोग एक वेबसाइट है जिसके तहत हम लोग फॉर्म भरने की सुविधा देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भराओ डॉट कॉम के नाम से ये वेबसाइट है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है, हम इसे सही करते हैं। तो हमारा गूगल जो है आ चुका है, हम सर्च करेंगे FORM, FORMPHARAO.com, इसे सर्च करेंगे और यहाँ पे ऊपर ही का फॉर्म। इस वेबसाइट के बारे में हम आपको क्या बता रहे हैं, तो दोस्तों इस वेबसाइट पे क्या होता है कि जैसे मान लो आप लोगों को पॉलिटेक्निक का फॉर्म भराना है घर बैठे ही, तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेना होगा। उसके बाद इस वेबसाइट के ऑपरेटर्स होते हैं वो आप लोगों के पास कॉल कर देंगे और आपको जो भी फॉर्म भराना है वो आप उनसे बता देंगे, तो आपका फॉर्म वो 2 घंटे के अंदर भर कर दे देंगे और आपका जो फॉर्म का PDF होता है वो आपको मेल के द्वारा आपको भेज देंगे या व्हाट्सअप कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप घर बैठे ही अपना पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरवा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा यह वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पॉलिटेक्निक से ही रिलेटेड हम आगे चैनल पे वीडियो डालते रहेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम से आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कोई भी अगर मान लो वैकेंसी आती है तो उसके बारे में भी हम इस चैनल में बताते रहते हैं। तो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। जय हिंद।